बीए बीकॉम बीएससी एमए एमकॉम करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स डीएवी पीजी कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। आरएस जेम्स एंड ज्वेलर्स, जहां आपके लिए हॉलमार्क जेवर एक से बढ़कर एक डिजाइनों में उपलब्ध हैं, वहीं लेनी हो गोल्ड, डायमंड या चांदी के जेवर तो आज ही चलें सिर्फ और सिर्फ आरएस जेम्स एंड ज्वेलर्स, सबसे विश्वसनीय शॉप, लाल पैलेस स्टेशन रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9572658649 और 7979869474। सिवान जिले के महाराजगंज में शहीद पत्रकार राजदेव रंजन की 7वीं पुण्यतिथि मनाई गई। इस मौके पर महाराजगंज के सभी पत्रकार बंधुओं ने उनके तैलचित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें अपना श्रद्धा सुमन अर्पित किया। बता दें कि आज ही के दिन राजदेव रंजन, जो कि सिवान के हिंदुस्तान अखबार के प्रभारी हुआ करते थे, इनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। आज उनकी पुण्यतिथि है। सभी पत्रकार बंधु इन्हें नम आँखों से नमन कर रहे थे और श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे थे। महाराजगंज में श्रद्धांजलि अर्पित करने वालों में राजेश अनल, इंजीनियर प्रमोद रंजन, वकील प्रसाद, अखिलेश्वर कुमार उर्फ बंटी जी, प्रसन्न कुमार, राघवेंद्र कुमार डब्बू, सुनील कुमार, प्रियवांशु सिंह, कौशल सिंह, अनीश कुमार सिंह, अफजल अनवर उर्फ सोनू जी, राजेश कुमार गुप्ता, शिवम कुमार, श्याम सुंदर, राजीव कुमार भारती, रविंद्र कुमार, गगन पांडे के साथ कई समाजसेवी और पत्रकार बंधु मौजूद थे। आइए सुनते हैं कि शहीद राजदेव रंजन की पुण्यतिथि पर पत्रकार बंधुओं ने क्या कुछ कहा। राजदेव रंजन के इस शहादत दिवस पर हम उन्हें नमन करते हैं। उनके साथ शुरू से ही हम लोग को काम करने का मौका मिला। उनकी लेखनी, उनका प्यार और उनका जो अनुभव था साझा उन्होंने किया हम लोगों के साथ, और उनके निर्देश में हम लोग ने बहुत अच्छा काम किया। निर्भीक पत्रकार थे, हम उनको एक बार पुनः नमन करते हैं। पुण्यतिथि के मौके पर उनको सत सत नमन करते हुए, काफ़ी मैंने भी इनको 5-7 साल से मैंने इनको देखा है, शहीद हो गए थे। और मैं एक ही बात कहूँगा जो वर्तमान के पत्रकार हैं कि बहुत कुछ उथल पुथल चल रहा है, इसमें निर्भीक होकर के पत्रकारिता करना बहुत जरूरी है, लेकिन एक लक्ष्य होना चाहिए कि हम किस कदर जा रहे हैं, किसी के बहकावे में ना आए, किसी का बहुत सारी बातें हैं उस पर ध्यान देते हुए पत्रकारिता करना है। और कलम के सच्चे जादूगर राजदेव रंजन थे। आज इस 7वें पुण्यतिथि पर सब सब नमन करता हूँ। पुण्यतिथि इस पर क्या संदेश दें? सबसे पहले तो मैं साथ ही मैं सरकार से एक बात कहना चाहूंगी कि ये 7 साल हो गए और 7 साल में अगर हम देखेंगे तो जो स्थिति उस समय थी आज भी वही स्थिति है। जैसा कि हम सब जानते हैं, आज हम जैसा कि आवास स्थान पे है, आवास पे है, वो भी एक पत्रकार है और काफ़ी सच्चे और निर्भीक पत्रकार है। उनके साथ भी वही स्थिति करने की कोशिश की गई थी जो राजदेव रंजन जी के साथ हुई है। तो मैं इसलिए सरकार से आग्रह करूंगी कि समाज में शांति और सौहार्द के प्रति काम किया जाए, ताकि जो स्थिति पहले थी और आज है उसमें कुछ बदलाव लाया जाए, क्योंकि बदलाव नहीं आएगा तब तक हमारे बिहार का विकास नहीं होगा। राजदेव जी हम लोग के बढ़िया मित्र थे, अच्छे मित्र थे, और करीब करीब पत्रकारिता राजदेव जी और हमारा एक साथ शुरू हुआ था। सिवान में भी हम लोग के साथ आज से 20 वर्ष पहले जुड़ गए थे और साथ उठना, साथ बैठना और मृदुभाषी थे, और पत्रकारिता जगत में उनकी कलम की जो धार थी वो निष्पक्ष थी और हमेशा उन्होंने सही बातों को जनता के सामने रखा। इसके लिए कई बार उनकी टकराहट भी हुई, उस समय के जो लोग थे उनसे कई बार टकराहट भी हुई, लेकिन राजदेव रंजन की कलम कभी नहीं रुकी। आज उनकी 7वीं पुण्यतिथि पर इस अवसर पर इस कलम के सिपाही को हम सत सत नमन करते हैं विनम्र श्रद्धांजलि। ऐसा क्या कहेंगे कि आज तक राजदेव रंजन की न्याय नहीं मिल पाया? देखिए, सब जुडिस मामला है, इसमें हम कुछ नहीं बोल सकते हैं। मामला CBI के कोर्ट में है और न्यायालय क्या फैसला करता है न्यायालय जल्द समझे। इतना निर्भीक और इतना तेज तरार व्यक्तित्व के धनी और पत्रकारिता में महारत हासिल था उनका। निर्भीक थे, निडर थे, और आज उनका शहादत दिवस है, मतलब शहीद दिवस है। हम उनको सत सत नमन करते हैं और उम्मीद करते हैं कि उनका अनुसरण होना चाहिए सभी पत्रकारों द्वारा,
वैसे महान व्यक्तित्व जिनकी आत्मा हमेशा जीवित रहेगी पत्रकारिता में हम लोगों के सामने, ऐसे महान पत्रकार को मैं सत सत नमन करता हूँ, बार बार नमन करता हूँ और जय हिंद बोलता हूँ। इससे अधिक क्या बोल सकता हूँ। आज उनकी साथी पूर्ति भी मनाई जा रही है, कैसे व्यक्ति थे उनकी याद आ रही है, क्या कुछ उनकी क्लासमेट थे तो क्या कुछ उनके साथ कुछ व्यवहार था। ये एक मृदुभाषी व्यक्ति और बहुत ही मिलनसार व्यक्ति थे और पढ़ने में बहुत मेधावी। जब वो पढ़ रहे थे तो हम लोग 88 में इंटर पास किए और दोनों आदमी साथ पास किए, उसके बाद ग्रेजुएशन किए हम लोग। उस समय बहुत ही तेज थे, पॉलिटिकल साइंस में, इंग्लिश में वो अव्वल आते थे और क्लास में डीएवी कॉलेज में वो प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण होते थे। और उसके बाद वो पत्रकारिता के क्षेत्र में आए, हिंदुस्तान के पत्रकार हुए और मुख्य पत्रकार के रूप में सिवान में विख्यात हुए। जिस समय सिवान में एक दहशत का माहौल था और जिस प्रकार से निर्भीक होकर के पत्रकारिता रजेश माननीय राजदेव रंजन ने किया, वो काबिले तारीफ, जिनकी प्रशंसा की जाए वो बहुत कम है। और निर्भीक उन पर कितना भी दबाव आया, लेकिन एक निर्भीक पत्रकार होकर के अपने जीवन को उन्होंने नौछावर कर दिया, लेकिन कलम से कभी समझौता नहीं किए। और यही उनकी देन है, उनकी लोकप्रियता है कि जब जब उनकी पुण्यतिथि आती है तब हजारों की संख्या में उनके समर्थक, उनके अनुयायी, उनके क्लास में पड़े हुए लोग उनको याद करते हैं, उनको नमन करते हैं। आज के दिन बहुत ही दुख के साथ भारी मन से मैं उनको आज 7वें पुण्यतिथि पर नमन कर रहा हूं। और जब तक ये पत्रकारिता की दुनिया में सिवान में नाम लिया जाएगा तो माननीय राजेश राजदेव रंजन जी का नाम अमर रहेगा, हमेशा अमर रहेगा, जिस प्रकार से उन्होंने कार्य किया। धन्यवाद। एम्स नई दिल्ली व सफदरजंग नई दिल्ली के सीनियर डॉक्टर अब आपके शहर सिवान में, डॉक्टर उमेश नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, चिकित्सा पदाधिकारी सदर हॉस्पिटल सिवान। डॉक्टर उमेश जो आपके बच्चों का कर रहे कुशल व बेहतरीन इलाज। सुशीला देवी हॉस्पिटल डॉक्टर उर्मिला अखौरी के सामने, हॉस्पिटल रोड सिवान। मोबाइल नंबर 9199720654 और 7250722154। आपको फरातेदार अंग्रेजी बोलनी हो तो आज ही चले। सिवान का सबसे पुराना, जिले का गौरव, ब्रिलियंट स्पोकन इंग्लिश एंड कंप्यूटर, महादेवा रोड सिवान, नामांकन जारी है। संपर्क करें 9771775410 और 9934991560। अगर आप चर्म रोग, गुप्त रोग या यौन रोग से परेशान हैं और बार बार डॉक्टर बदलने के बाद भी इस बीमारी से छुटकारा नहीं हो पा रहा है तो समुचित व अस्थायी इलाज के लिए डॉक्टर सृष्टि सिन्हा से मिलिए, जो सिवान जिले की एकमात्र प्रसिद्ध महिला चर्म रोग, गुप्त रोग एवं यौन रोग चिकित्सक है। यहाँ आँखों के नीचे कालापन एवं सूजन, कुष्ठ रोग, बाल गिरना, सफेद दाग, पिंपल्स, दाग धब्बे, लेजर सेवा, अनचाहे बाल एवं तिल निकालने, गालों के गड्ढे भरना, छाल रोग एवं अन्य चर्म रोग, गुप्त रोग व यौन रोग का इलाज किया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर एके सिन्हा के समीप, फतेहपुर दुर्गा मंदिर, हॉस्पिटल रोड सिवान। मोबाइल नंबर है 9973163151। मानसिक नस एवं नशा रोग का कराना हो बेहतर इलाज तो अब बाहर जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब सिवान में इन बीमारियों का डॉक्टर रागिनी सिंह कर रही बेहतर इलाज। न्यूरोसाइकेट्री एंड चाइल्ड केयर, झूनापुर हाईवे से सटे बरहरिया रोड सिवान, जहां एक ही बिल्डिंग में नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मंजीत रंजन के द्वारा बच्चों का किया जाता है बेहतर इलाज। तो अब देर किस बात की, आज ही चले डॉक्टर रागिनी सिंह एवं डॉक्टर मंजीत रंजन, सिवान न्यूरोसाइकेट्री एंड चाइल्ड केयर, झूनापुर हाईवे से सटे बरहरिया रोड सिवान। कॉल करें 9431871300। सिटी मोंटेसरी हाई स्कूल सह कोचिंग सेंटर बुढ़िया माई मंदिर के पास गांधी मैदान सिवान। CBSE करिकुलम क्लास 1 से 10 तक की व्यवस्था, नए सत्र में नामांकन प्रारंभ, स्मार्ट क्लास, वेल मेंटेन हॉस्टल, अल्ट्रा मॉडर्न कंप्यूटर लैब, इंग्लिश स्पोकन की सुविधा। एकमात्र ऐसा विद्यालय जहां री एडमिशन चार्ज नहीं लिया जाता है।
सिटी मॉन्टेसरी हाई स्कूल सह कोचिंग सेंटर बुढ़िया माई मंदिर के पास गांधी मैदान सिवान। प्रचार अशोक कुमार सिंह, मोबाइल नंबर 9934989245।